सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं बिना किसी टूल के। सो गाइस, ये चीज़ मैं आपको ब्राउज़र में करके बताने वाला हूँ। जब ब्राउज़र में सर्फिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें कई बार होता है स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होती है तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, वहाँ पर क्रॉप भी नहीं कर पाते। तो हम बताएंगे कि आपको कैसे स्क्रीनशॉट लेना कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर पेज का या पूरे पेज का, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। एंड गाइस, ये केवल ब्राउज़र में होगा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज हो या गूगल क्रोम या फायरफॉक्स हो। सो गाइस, हम सत्य एंड यू आर वाचिंग ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ से सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना, आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना है। एंड गाइस, जहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे होंगे या और कुछ, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिसमें मेरे बहुत सारे आर्टिकल हैं। एंड वहाँ पे मैं इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ। तो सिंपली मेरा ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है, एंड यहाँ से मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सो गाइस, यहाँ से सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। एंड गाइस, राइट क्लिक करने पे यहाँ पे आपको शो होगा इंस्पेक्ट एकदम लास्ट में, यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं। तो सिंपली हम इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक विंडो ओपन होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड सिंपली आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस, यहाँ से आपको एक थ्री डॉट मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से रन कमांड पे क्लिक करेंगे, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी, तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ से मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करके भी ओपन कर सकता हूँ। एंड गाइस, इसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना होगा स्क्रीनशॉट। एंड गाइस, जब आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन शो होगा, एक कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट, कैप्चर फुल स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पे आएगा कैप्चर नोड स्क्रीनशॉट एंड कैप्चर स्क्रीनशॉट। सो गाइस, यहाँ पे कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट का यूज आप जितने एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ से आप फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिंपली उस पर क्लिक करके। एंड गाइस, यहाँ पे एक लास्ट है कैप्चर स्क्रीनशॉट, उस पर क्लिक करके आप केवल एक पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं कैप्चर फुल स्क्रीनशॉट पर क्लिक करूँगा। एंड गाइस, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेगा, एंड ये जो हमारा इमेज है तुरंत डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एंड यहाँ से इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे जो मेरा स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड गाइस, जो इसका क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, ये क्वालिटी लूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, जितना भी मेरी वेबसाइट में दिख रहा था, एंड क्वालिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट, जैसे अपने पेज में कुछ ही चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है, तो सिंपली आप कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट का यूज करेंगे। तो मैं फिर से करूँगा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी। एंड गाइस, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा स्क्रीनशॉट एंड सिंपली क्लिक करूँगा कैप्चर एरिया स्क्रीनशॉट पे। एंड यहाँ से आप जितने भी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं सिंपली इस पर आपको ड्रैगन करना है, ड्रैगन ड्रॉप। तो यहाँ पे मैंने ड्रैग किया और मैंने इसको छोड़ दिया, एंड ये ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट डाउनलोड भी हो गया। इसमें आपको सेव वगैरह नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा पर्टिकुलर एरिया का था इमेज, वो कैप्चर हमने कर लिया। सो कुछ इस तरह से आप इमेज को कैप्चर कर सकते हैं बिना टूल के। एंड गाइस, अपने अकॉर्डिंग ही इसमें कर सकते हैं जितना आप चाहें। एंड गाइस, ये आपको गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रो, फायरफॉक्स, सब में ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, ये काफ़ी इजी ऑप्शन है जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो, दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।